तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी लेकर समर्पित। अपने सभी यूट्यूब चैनल के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का आभार। आपको बता दें कि ये तस्वीर जो आपको दिख रही है जख्मी अवस्था में एक महिला प्रसूता की तस्वीर है और रेउसा सीएचसी की तस्वीर है जहाँ पर एम्बुलेंस में लेटी हुई है। बताते चले कि हमेशा रेउसा सीएचसी में तैनात कर्मचारियों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है आए दिन। वहीं पर इस महिला के बारे में बताते चले कि ये थाना थान गांव के एक ग्राम खनुआपुर निवासी विधायक की पत्नी शोभा है, जिसको प्रसव पीड़ा हुई मंगलवार को और वहीं पर परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से रेउसा सीएचसी पहुंचाया गया। तकरीबन रेउसा सीएचसी में 9 बजे रात को भर्ती कराया गया। वहीं पर सुबह बुधवार की सुबह करीब 7 बजे के आसपास शोभा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका वजन लगभग 2.5 से 1.5 किलो तक बताया जा रहा है, स्वस्थ। वहीं पर कुछ परिजनों के मुताबिक और सूत्रों की माने तो प्रत्यक्षदर्शियों की लापरवाही नजर आई और वहीं पर ये प्रसूता महिला शोभा फर्श पर गिर गई और गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फर्श पर गिरने से एक हड़कंप मच गया शोभा के और आनन फानन में स्टाफ डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया, ले जाकर मलहम पट्टी रूम में और वहीं पर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया और कई टांके लगाने पड़े। मस्तक पर पट्टी बंधी सिर पर दिखाई दे रही है। वहीं पर हाथ पांव फूल गए स्टाफ के और सूत्रों की माने प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिजनों के मुताबिक तो जिस वक्त फर्श पर शोभावती गिरी उस वक्त ना तो स्टाफ थी मौके पर ना तो आशा और वहीं पर तुरंत घटना घटने के बाद जख्मी होने के बाद तुरंत तत्काल उस मौके पर उपस्थित हुए। एक हड़कंप समझ गया पास पड़ोस के मरीजों में एक हड़कंप और देखा गया। वहीं इस बाबत जब बात की गई रेउसा सीएचसी प्रभारी विकास मिश्र से तो उन्होंने बताया कि अनभिज्ञता जताई जानकारी होने से और देखवाने की बात कहकर टाल गई। वहीं पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स सीमा और पुष्पा के द्वारा बताया गया कि शोभावती कपड़े बदलते वक्त चक्कर आने से गिरी है जिससे कि वो जख्मी हुई है।